हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल गाइस। लास्ट टाइम आपने देखा था, हमने इस फोर्ड वाले पिकअप ट्रक से एक रेस की थी और अब मैं आ गया हूं एक दूसरी रेस करने के लिए। लेकिन ये हम करेंगे किसी और कार से, देखते हैं कैसी कार से करेंगे। बट मैं भी ये सोच रहा हूँ जिस कार से भी हम करेंगे वो ना ही इतनी ज़्यादा स्लो होस्ट पुराने वाली कार्स की तरह और ना ही एकदम अपनी हाइपर कार्स की तरह फास्ट हो, कुछ बीच की कुछ जैसी इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मतलब रेसिंग कार तो हो बट नॉर्मल वाली परफॉर्मेंस के साथ कोई कार। अभी देखते हैं कौन सी कलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सी कार सही रहेगी वो देखेंगे, जिससे हमने काफ़ी दिनों से हमने ड्राइव भी ना करा हो, उसे कोई रेस ना करी हो कोई ऐसी कार और जिससे करने का मन भी कर रहे। ये वाली से करके देखें, विंटेज एस्टन मार्टिन से करके देखें क्या सही रहेगी कि कोई और कार करके देखें। समझ में नहीं आ रहा, वैसे मुझे लग रहा है और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये गिने चुने ऑप्शन है, इसी से करते हैं गाइज। एस्टन मार्टिन विंटेज GT12 से हम रेस करेंगे। वैसे तो ये डॉज भी सही लग रही है बट फिलहाल हम एक ही से कर सकते हैं तो इसी से कर लेते हैं और फटाफट अपनी रेस शुरू करेंगे। और मैं सिर्फ एक सिंगल रेस करूंगा इससे, चाहे फर्स्ट टाउन या लास्ट टाउन, डजंट मैटर। कार वैसे तो यार सही है, वैसे देखने में ना लुक वाइज सही लग रही है क्योंकि ज़्यादा पुरानी तो है नहीं, बट हाँ बहुत हाइपर कार नहीं है तो फिर नॉर्मल परफॉर्मेंस देगी, सही सी देगी, वैसे स्लो नहीं लगेगा चलाने में। बट जैसे अपनी पोर्शे 918 स्पाइडर है, इस तरह की हाइपर कार्स तो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हैं हर टाइम, जैसे ही हम एक्सेलेटर पे पैर रखते हैं वैसे ही एकदम भागने को तैयार रहती हैं, वैसा नहीं होगा। तो चलो रेस स्टार्ट कर लेते हैं फिर और देखते हैं कैसी जाएगी आज की अपनी रेस। बहुत ही साफ मौसम है, बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम धूप निकली हुई है, लेट्स गो। वही स्टार्ट में हम आगे निकल गए, अरे वाह अच्छी कार है ये तो अच्छी कार लग रही है, लेकिन देखो नॉर्मल स्पीड दे रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है और उनकी तरह भी स्लो नहीं है पुरानी कार्स की तरह। तो ये रेस ट्रैक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट क्योंकि हमारी कार ज़्यादा फास्ट नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। टर्न आ गया, टर्न पे एकदम स्लो, ज़्यादा स्लो तो नहीं होगी भाई, ज़्यादा स्लो तो नहीं होगी, पता नहीं। और सारी कार्स का भीड़ जमा हो गई यहाँ पे, यहाँ पर चलते हैं, एकदम खुली रोड है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें हम जीत सकते हैं ना। ओए बच गया भाई, चेक पॉइंट अभी मिस हुआ था तो सारे जीत जाते, ये कार आगे निकल गई आराम से। नहीं 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 अरे यार शिट 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 चल 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 चल, सारी कार आगे निकल गई यार, ये तो मैं तो जीतने की सोच रहा था, ये क्या हारना पड़ेगा क्या। नहीं 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 चलो चलो, लेकिन मैं गाइस खेलूंगा एक ही बार और ज़्यादा नहीं खेलने वाला, पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट नहीं भी आए, सेकंड थर्ड कुछ तो आ ही जाएंगे, अभी काफ़ी है। नहीं 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 हो गया, चेक पॉइंट जाता फिर से, काफ़ी ज़्यादा रेस बची हुई है अभी। धीरे धीरे हमने थोड़ी तो रिकवरी ले ली है, काफ़ी खास को पीछे के 8th पोजीशन पर आ गए हैं क्योंकि 11th 12th आ गए थे हम लोग। अरे एक वैन भी है यार इसमें, ये तो वही वैन है ना, एक और रेस में थी एक कुछ दिन पहले। नहीं आराम से, नहीं टकरा नहीं टकरा नहीं, वो बच गए भाई गाइस, उस घर से टकरा जाते हैं ना एकदम, स्पीड जीरो हो जाती है। चल वो भाई बच गए यार, ये क्या सीन हो रही है, स्किप क्यों कर रही है यार, इतनी फास्ट तो नहीं चल रही है जितना ज़्यादा ये स्लिप कर रही है, यहाँ से चलाना पड़ेगा यार। ये चेक पॉइंट बच गया बाल बाल, अंदर की तरफ से ना बिल्कुल चेक पॉइंट को टच करके ही निकलना पड़ेगा और बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। टर्निंग पे आराम से जाता हूँ इस बार यार, इस बार आराम से चल 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 चल, टर्निंग पे बहुत ध्यान से करना है गाइस, बहुत जल्दी ना स्लिप हो जा रही है और बहुत ज़्यादा धीरे हम कर नहीं सकते, नहीं तो फिर हार जाएंगे। तो फिर देखते हैं, अभी थोड़ी रिकवरी तो मिल गई है, मिल गई। चल नहीं 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 अभी यार मैं उसको गिराना चाह रहा था एक्चुअली, मैं खुद बच गया गिरने से। अरे यार इससे फाइट करूँगा ना वो आगे निकल जाएंगी। ओ यार थोड़ा मैं साइड से निकलना चाह रहा था। थर्ड पोजीशन तो मिल गई है गाइस, थर्ड को अब चांसेस हैं गाइस, हम फर्स्ट तो आ सकते हैं मुझे लग रहा है। सेकंड भी आ गई है, गो 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 गो, चल 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 चल, हाँ चल 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 चल, गो 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 गाइस, फर्स्ट आ सकते हैं, आ सकते हैं, सारी कॉस हमने कर दी है फाइनली पीछे।
20% रेस अभी भी बची है, और अगर हमारे आगे कोई कार चल रही होती है तो हमें लगता गाइस कि बस 20% रेस बची है, कहीं हार ना जाए। और अब हम सबसे आगे हैं तो हम सोच रहे हैं 20% बची है, कहीं कोई और कार आगे हमसे ना निकल जाए। बट मुझे लग रहा है हम लोग जी सकते हैं गाइस। देखो अभी बहुत घमासान टर्न भी नहीं दिख रहे हैं मैप में, और वहाँ गया गया फिनिश पॉइंट आ गया, बस छोटे छोटे दो टर्न्स हैं, कुछ आराम से करेंगे जल्दबाजी नहीं। और ये फिनिश पॉइंट आ गया गाइस, ओ भाई आ गए हम फर्स्ट, जीत ली गाइस ये रेस तो खाई, फाइनली हमने जीत ली। सही कार थी अपनी, अपने सेगमेंट के हिसाब से सही परफॉर्मेंस दी अपने, और आपके भाई का नाम सबसे टॉप पर है, लाइक कर देता हूँ जब इन्होंने जिताया है तो। चलो गाइस फाइनली लास्ट वीडियो में जो आपने मेरी रेस देखी पुराने वाले फोर्ड की पिकअप ट्रक से, उसमें तो हम रेस ही पूरी नहीं कर पाए यार, बहुत ही अजीब रेस थी। ऐसी रेस मैंने पहले एक बार की थी। अगर आप पुरानी वाली ओल्ड कार से करोगे ना जो बहुत धीरे चलती है, उन्हीं से वो रेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ भी चढ़ाई आएगी वहाँ ऐसा ही कुछ होगा। अरे ये हमें वैन मिली है व्हील स्पिन में पुरानी सी, न्यू कार्स के साथ तो वो सिचुएशन आती नहीं क्योंकि वो तो सब जगह चढ़ जाती हैं, तो पुरानी वाली कार्स के साथ ही होती है। चलो गाइस तो यहाँ का आज का वीडियो यहीं पे बंद कर देते हैं, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, एंड अगले वीडियो ज़रूर देखना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।